अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो आज का मेरा जो ट्यूटोरियल है वो आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज की जो जो मैं ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ उसमें जो है मैंने आपको सबसे अच्छी जो है वो आपको एक मसाज क्रीम, एक वाइटनिंग मसाज क्रीम मैं आपको बताने वाली हूँ। कि सेंसिटिव स्किन है वो कोशिश करें कि वो वीक में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार यूज़ करें, और जिनकी ऑयली स्किन है अगर वो डेली यूज़ करना चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये आप कोई भी ब्लीच करें, अच्छी सी ब्लीच करने के बाद आप जो है अगर इसी का ही सिर्फ मसाज कर लेंगे, उसके बाद आप कोई मास्क यूज़ कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपका फेशियल जो है बड़े अच्छे से घर में ही बैठ के जो है वो डन हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, और फिर आपसे सबसे अच्छी, मैंने भी आपको बताया कि सबसे अच्छी वाइटनिंग मसाज क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप विदाउट ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छी ब्लीच करने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। अभी जो मैं ब्लीच लेकर आई हूँ क्रीम, वो है डर्माकोस की ग्रे क्रीम, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। इस जो है वो 300, 350 या 40 की रेंज में आपको जो है इजीली कहीं से भी मिल जाएगी, आप किसी भी अच्छे जहाँ से आप जो भी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, जब आपने क्रीम करनी है सबसे पहले आप अपने फेस को आपने क्लींस करना। आप कोई भी अच्छा क्लींजर ले लें, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं अभी वो, मेरे पास काफ़ी रेंज है, तो उस रेंज में से जो मुझे अच्छा लगता है वो है सॉफ्ट टच का, ये है डबल एक्शन, कोई भी ले लें क्लींजर है। जस्ट आपने इसको अपने फेस को आपने लगाकर आपने इसको अच्छे से जो है अपने फेस को क्लींस करना है, क्योंकि जब आप वाइटनिंग मसाज क्रीम कोई भी यूज़ करते हैं पहले अपने फेस को अच्छे से जो है वो साफ़ कर लें, ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छे से लगा लिया। और इसको आप जो है आपने सिर्फ एक मिनट से ज़्यादा, ये एक से दो मिनट से ज़्यादा आपने इसकी जो है वो मसाज। स्टार्ट करने लगी हूँ, आप इसका राइट लाइट से सामने रिजल्ट में आपको क्लिप से दिखा सकती हूँ। ये देखिए, एक दिन मैं जो इसको कर लेती हूँ जिससे आपकी जो स्किन है वो फ्रेश दिखती है, ठीक है। एक ब्राइटन आना तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब हर कोई चाहता है कि आपका कलर जो है वो आपको जो आपका कलर जो है वो वाइट हो जाए, और लेकिन मेरा ख्याल है कि कलर वाइट से ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कि इसमें कोई दाग धब्बे ना हो, क्योंकि बगैर दाग धब्बे के जो है ना वो स्किन आपकी फ्रेश लगती है। और ये देख लें बाप, मैं उसको आपका रिजल्ट भी आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आप कोई भी अच्छा सा जो है मास्क लगा सकते हैं, कोई भी आप जिस तरह का चाहें। उसके बाद या आप टोनर अच्छा सा उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोनर सॉफ्ट टच के ही यूज़ कर रही हूँ, वो मैं जो है यहाँ पे अप्लाई करती हूँ आपके सामने। सिर्फ आपने हथेली पे लेना है, और मैं जैसे ही करती हूँ ऐसे से डॉट डॉट कर दूँ। हो चुका है, और जो भी मैंने फेशियल किया, आप किसी इसको छोटा सा मिनी फेशियल भी बोल सकते हैं आप इसको, कि आपको मैंने एक बड़ी एक अच्छी वाइटनिंग क्रीम बताई है मसाज क्रीम के। इसके इस्तेमाल से आपका कलर जो है वो साफ़ होगा और ब्राइटन की तरफ जाए। आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे अपने दुआओं में याद रखें, और आपको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।